अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली दोस्तों आज आ चुके हैं हम संडे मार्केट, और अभी देखेंगे भाई कौन कौन सी गाड़ियों के क्या क्या रेट हो गए और कौन सी गाड़ियों के कितने रेट बढ़े हैं। तो अभी जो सुनने में आया है कि काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं भाई संडे, क्योंकि गाड़ियाँ माशाल्लाह से अच्छी खासी आई हैं। तो अभी हम शुरू में देखेंगे, कोशिश करेंगे बड़ी गाड़ियाँ ऐड करें, फिर ये कि छोटी गाड़ियाँ भी ऐड करेंगे, यानी कि नॉर्मल से लेके छोटी से लेके बड़ी गाड़ियाँ सारी ऐड करेंगे। लेकिन ये कि शुरू में कोशिश करूँगा कि कुछ बड़ी गाड़ियाँ ऐड कर लूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें छोटी गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा थी, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आपने XLi GLi वगैरह या कोई बड़ी गाड़ियाँ जो है वो ऐड नहीं करी। तो अभी देखें, कोशिश करेंगे कि हम सारी गाड़ियाँ लेके चलें। तो अभी जल्दी से देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो अभी हम लोगों ने बोला चलो शुरू में जो है वो स्विफ्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो 2000 कुछ का मॉडल मुझे भाई ने बताया, अभी मैं इसकी पूरी डिटेल जो है वो जिनकी गाड़ी है उन्हीं से लूँगा। तो अभी पहले ओवरऑल गाड़ी देख लेते हैं। तो गाड़ी मुझे साफ लगी, मैंने बोला चलो इसी को शुरू में जो है हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की बिल्कुल क्लियर है, स्क्रैचेस वगैरह जो है गाड़ी पर नहीं है, अलॉय रिम वगैरह जो है लगे हैं अच्छे से, बाकी गाड़ी का इंटीरियर वगैरह भी मुझे साफ लगा। अभी पहले हम बॉडी वाइज देख लें गाड़ी, फिर उसके बाद जो है वो इंटीरियर की बात करेंगे और इंजन वगैरह रूम वगैरह भी देखेंगे गाड़ी का। तो गाड़ी पहले देख लेते हैं ओवरऑल। तो फ्रंट से भी गाड़ी बिल्कुल क्लियर है, रूफ़ वगैरह इसकी बिल्कुल क्लियर है, बाकी इंजन में कैसी है गाड़ी और ये सारी चीज़ें जो है इनके ऑनर हैं हम उनसे ही मालूम करेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छा सा जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो अभी इसका इंटीरियर देख लेते हैं और फिर जो है इनके ऑनर के पास चलेंगे। सो सबसे पहले बात करें भाई इंटीरियर की, तो उसके गेट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं, ऊपर जेन्युइन कंडीशन में गाड़ी अच्छी खासी इन्होंने रखी हुई है। बाकी हम मालूम भी करेंगे भाई कोई पीस टचअप वगैरह जो भी है वो ए टू जेड जो है मालूम हम इनसे लेंगे, गाड़ी चली भी कितना है, माइलेज वगैरह क्या है, सारी चीज़ें मालूम करेंगे। ब्लैक कलर में जो है इसकी सीट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाती हैं। अब इसका रूम भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं चल के। तो बात करें भाई रूम की, तो रूम भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मिल जाता है। अच्छा, रूम जो देखने की ज़्यादातर वजह बनती है वो ये देखते हैं हम सामने की पट्टीस वगैरह, जो जितनी भी पट्टियाँ होती है ना और साइडों की ये जो कुप्पियों की जो जगह होती है ये देखना इसका जो है वो, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि यार रूम भी आप लोगों को दिखा दिया जाए, क्योंकि मेन एक्सीडेंट गाड़ी होती है तो सबसे पहले ये चीज़ें जाती हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को पूरी जो है वो दिखा दूँ। तो बस अब चलते हैं भाई के पास और भाई से मालूम करते हैं भाई इसके क्या। हमारे साथ मौजूद हैं अक्रम भाई। तो अक्रम भाई की जो है एक गाड़ी है, तो 2016 का जो है, अक्रम भाई आपने मुझे मॉडल बताया, अब इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 14 लाख। ठीक है, 14 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड है। बाकी गाड़ी पूरी जेन्युइन पे ही है, हल्की फुल्की टचअप है, वैसे गाड़ी जेन्युइन है, हल्की फुल्की टचअप है, बाकी गाड़ी जेन्युइन है, से इंजन से फाइल से प्लेटों से ठीक है, फाइल वगैरह क्लियर है, नंबर प्लेट्स वगैरह क्लियर है, CPLC वगैरह क्लियर है, टैक्स वगैरह इसका पेड है, सब हर चीज़ क्लियर, हर चीज़ जो है वो क्लियर है, सस्पेंशन वगैरह इंजन वगैरह में कोई काम वगैरह कुछ कोई नहीं, जीरो की तरह है, जीरो की तरह है। ठीक है, बाकी अपना नंबर भी शेयर कर देगा, लिखें 0302 2551-171। ठीक है, तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। तो 2016 का मॉडल बताया, बाकी डिमांड वगैरह सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चुके हैं। तो अभी हम लोगों को मिल गया 95 का जो है ये मॉडल है, 95 का जो है ये मॉडल है मिनी पिजीरियो का, 660 CC वाली जो है गाड़ी है, 2 डोर है और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मैंने बोला चलो ये भी आप लोगों को ऐड कर लेता हूँ। तो एक भाई थे हमारे जिन्होंने बोला था कि यार आप जीप्स वगैरह जो है वो काफ़ी कम दिखाते हो, तो मैंने बोला चलो यार ट्राई कर लेते हैं, अगर भाई हमें परमिशन देते हैं तो इस गाड़ी की बना लेते हैं। तो भाई ने परमिशन दे दी है, तो अभी मालूमात करेंगे भाई गाड़ी कैसी है चलने में, कोई काम वगैरह है इसमें, कोई पीस टचअप वगैरह, मैन एक्सीडेंट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी जो है हम भाई से मालूम करेंगे। तो बॉडी वाइज तो पहले मैं आप लोगों को गाड़ी पूरी दिखा दूं, फिर ये कि इसका रूम वगैरह भी हम लोग देख लेंगे। तो फ्रंट पे इसके जो है वो गार्ड वगैरह जो है वो लगा हुआ है जो मिनी पजीरो का होता है, बाकी ये कि इसका रूम वगैरह भी देखेंगे, पहले फ्रंट साइड देख लें। वो दोनों साइडों से जो है गाड़ी मैंने आपको ओवरऑल दिखाई, बाकी है कि हम इनके जो ऑनर हैं उनसे भी अच्छी सी डिटेल लेंगे कि भाई इस गाड़ी में कोई काम वगैरह, पेपर्स वगैरह, सारी चीज़ें जो है मालूम करेंगे। तो रूम भी हम इसका एक नज़र देख लेते हैं। तो बात करें भाई रूम की, तो रूम भी आप लोगों को साफ़ सुथरा इसका जो है वो बिल्कुल मिल जाता है, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी रखी हुई है इन्होंने, 660 CC जो है ये गाड़ी है, गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। बाकी ये क्या, अभी इसके रेट वगैरह पूछेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा सा जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो बस चलते हैं अब जल्दी से इसका इंटीरियर देख लेते हैं और फिर हम भाई से बात करेंगे कि भाई क्या इसकी डिमांड वगैरह है। अभी बात करें भाई गेट्स वगैरह की, गेट्स वगैरह इसके क्लियर, देखिए काफ़ी पुराना मॉडल होता है, अगर हम इसको बिल्कुल गहराई से देखें तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को सामने आ जाती हैं। बाकी ये कि इसका डैशबोर्ड वगैरह इन्होंने बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है गाड़ी का, सामने से गाड़ी यानी कि फ्रंट से कंप्लीट है पूरी, और बैक साइड वगैरह देखें तो बैक साइड वगैरह भी इसकी साफ़ है, रूफ़ वगैरह बिल्कुल साफ़ है गाड़ी की। बस अब चलते हैं भाई भाई से मालूम करते हैं कि क्या हिसाब किताब है और कहाँ तक गाड़ी जो है फाइनल। ओसामा भाई, तो ओसामा भाई की गाड़ी है, तो हम सारी डिटेल जो है ओसामा भाई से लेंगे। ओसामा भाई आप इसकी डिमांड क्या करें सबसे पहले तो बताएं। 6.25 लाख रुपये, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। 660 CC जो है वो इसका इंजन है, गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन में कैसी है? ठीक है, पेपर वगैरह इसके CPLC वगैरह ठीक है, और टैक्स आपका पेड है सारा? टैक्स पेड है ठीक है। वैसे कब से आपके पास गाड़ी है दादा? 5-6 महीने से। ठीक है, 5-6 महीने से जो है गाड़ी यूज कर रहे हैं ठीक है। बाकी अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए। 0334-45-13-11
ठीक है, तो ये जो है भाई का नंबर है उसामा भाई, इसका आप कांटेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। गाड़ी तो ओवरऑल मैंने दिखा दी है भाई, बता रहे हैं सस्पेंशन से ओके है, इंजन से गाड़ी ओके, सीपीएलसी वगैरह क्लियर है, टैक्स जो है इसका पेड है, अप टू डेट है। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ऐड करते हैं। शुक्रिया। हम लोग को मिल गया ऑल्टो का 2003 का जो ये मॉडल है, लाइट ब्लू कलर में जो है गाड़ी है। तो अभी मालूम करेंगे भाई इसकी क्या हिसाब किताब है, कितने तक में गाड़ी चल रही है। तो देखें, हमेशा मैं बोलता हूँ कंपेयर करा करें थोड़ा सा पीछे, यानी कि अगर आप जुम्मे की वीडियो भी देख लेंगे ना या पिछले संडे की भी देख लेंगे तो आपको प्राइस का जो है अच्छा सा कंपेरिजन मिल जाएगा इसके अंदर। एक पीछे भी मैंने और ऑल्टो वगैरह भी मालूम करी थी, यानी कि अगर पिछले संडे की तरफ आप चले आएँ तो दो वीडियो थी उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी ऑल्टो जो है मालूम करी थी, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो अभी देखेंगे इसके रेट वगैरह मालूम करेंगे, पूछेंगे कोई भी स्ट्रचअप वगैरह, सारी चीज़ें जो है ए टू जेड जो है वो सब कुछ मालूम करेंगे भाई से कि क्या हिसाब किताब है गाड़ी का। रूम वगैरह भी देखेंगे, लाइन वगैरह जो है वो गाड़ी में लगे हुए हैं, गाड़ी दोनों साइड से जो है वो क्लियर है। बाकी अभी हम देख लेते हैं दूसरी साइड भी, तो ये वाली साइड भी जो है वो क्लियर है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है गाड़ी पे। बाकी अभी इसका रूम देखते हैं, फिर इंटीरियर देखेंगे, फिर भाई से बात करेंगे। सो बात करें भाई रूम की, तो रूम भी इन्होंने अच्छा सा क्लियर करके रखा हुआ है, सर्विस वगैरह हुई भी है रूम की, रूम बिल्कुल साफ़ रखा हुआ है इन्होंने। बाकी बॉडी तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी है, तो बस अब चलते हैं भाई इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर भी देख लेते हैं कि इंटीरियर कैसा है, फिर भाई से मालूम करेंगे गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन में कैसी है, ये सारी चीज़ें भी जो है हम भाई से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तो इंटर आ जाते हैं हम लोग, गेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो भाई ये गेट्स वगैरह जो है उसके क्लियर हैं, यानी कि रस्ट वगैरह नहीं है। बाकी ये कि इसका डैशबोर्ड वगैरह जो है वो क्लियर है, कंप्लीट है पूरा डैशबोर्ड वगैरह, सीट्स वगैरह की कंडीशन भी जो है वो अच्छी रखी हुई है इन्होंने। बाकी मैं आपको बैक से सीट भी दिखा देता हूँ पूरी। तो बैक साइड पर आ गए तो बैक साइड की साइडें वगैरह भी जो है वो गाड़ी की क्लियर हैं, बाकी ये कि सीट्स वगैरह भी गाड़ी की जो है वो क्लियर हैं। बाकी ये रूफ वगैरह की बात करूँ तो रूफ वगैरह भी जो है गाड़ी की वो क्लियर है। बस अब चलते हैं भाई से, भाई मालूम करते हैं क्या है। मेरे साथ मौजूद है शराब भाई, तो उनकी जो है ये गाड़ी है 2003 का जो है, आपने मुझे मॉडल बताया, आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 4-15। ठीक है, 4,15,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। बाकी गाड़ी चाल में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह में कैसी है? हर चीज़ हो गया, एसी, सीएनजी, पेट्रोल हर चीज़ से वर्किंग। ठीक है, अच्छा ये पूरी जेन्युइन है या शावर है गाड़ी? बाहर से कहीं कहीं शावर लगी है, कहीं कहीं शावर है या पूरी शावर है? नहीं, ठीक है, कुछ पीस जो है इसके शावर हैं, बाकी गाड़ी जो है ओवरऑल जेन्युइन बता रहे हैं भाई। बाकी इंजन वगैरह में कैसी है गाड़ी? इंजन से ओके है, सस्पेंशन से ओके है, ठीक है, ट्यूबलेस टायर हैं, अलार्म पड़े हैं, रिटर्न फाइल है, सीपीएलसी वगैरह हर चीज़ से ओके। बाकी डिमांड क्या कर रहे हैं आप? 4-15। ठीक है, 4-15 जो है गाड़ी की डिमांड है। अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा, 0303-0303-2349-2349-693-693। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। बस कोशिश यही होती है कि यार आपको अच्छे से गाड़ी दिखा दूँ, तो जितना मैं दिखा सकता हूँ दिखाता हूँ। बाकी आप लोग कॉल करा करें, मालूम करा करें गाड़ी की डिटेल वगैरह लिया करें। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग को मिल गई है कोरे, तो 2008 का जो ये मॉडल बताया, तो अभी देख लेते हैं ओवरऑल गाड़ी कैसी है, जेन्युइन कंडीशन में रखी हुई अंकल ने। बाकी हम मालूम भी करेंगे कोई पीस टचअप वगैरह, तो सारी चीज़ें डिटेल वगैरह हम जो है भाई से मालूम करेंगे जिनकी गाड़ी है। तो अभी देख लेते हैं भाई इसकी चल के फ्रंट साइड, एक साइड तो आप लोगों ने देखी साइड से बिल्कुल साफ़ है गाड़ी, बाकी फ्रंट भी अभी हम लोग इसका देख लेते हैं। तो गाड़ी फ्रंट से भी जो है वो क्लियर है, दूसरी साइड पे भी चलते हैं तो दूसरी साइड भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर सी एक मिल जाती है। तो गाड़ी ओवरऑल जो है अच्छी कंडीशन में इन्होंने रखी हुई है, स्क्रैचेस वगैरह इतने ज़्यादा मुझे नहीं दिखे, थोड़े बहुत तो जाहिर सी बातें गाड़ी पे होते ही हैं, 2008 का मॉडल है तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड वगैरह जो है वो गाड़ी का बिल्कुल जो है वो क्लियर रखा हुआ है इन्होंने। दरवाज़ों की साइडों की बात करूँ तो वो भी आप लोगों के सामने कंडीशन है। बाकी अभी देख लेते हैं इसकी बैक साइड पर, रूम भी देखेंगे हम लोग। तो बात करें भाई बैक साइड की, तो बैक साइड की कंडीशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। दरवाजे वगैरह सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, फिर साइड वगैरह भी आप लोगों के सामने ही है। सीट्स वगैरह जो है वो गाड़ी की क्लियर है, नॉर्मल जो है साउंड सिस्टम गाड़ी में लगा हुआ है, रूफ वगैरह जो है वो गाड़ी की क्लियर है। तो गाड़ी ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखा दी है, बस इसका भी हम आगे से रूम देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है भाई के पास चलते हैं और मालूम करते हैं क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं। सो बात करें भाई रूम की, तो रूम भी आप लोगों के सामने है, रूम भी सही नॉर्मल कंडीशन में जो है आपको रूम मिल जाता है इसका। तो सबसे पहले साइड्स वगैरह मैं देखता हूँ भाई, कोशिश करता हूँ साइड्स वगैरह आप लोगों को सही से दिखा दूँ। तो साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की बिल्कुल क्लियर हैं, कुपियाँ वगैरह भी जो है इसकी क्लियर हैं। अब चलते हैं भाई के पास, उनसे पूछते हैं कि भाई मेरे साथ मौजूद है मकसूद भाई, तो मकसूद भाई की जो है गाड़ी है, मकसूद भाई 2008 का जो है आपने मुझे मॉडल बताया, अब इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। बाकी गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह में कैसी है? ओके, टायर ने ठीक है, इंजन वगैरह में कोई काम? इंजन में कोई काम नहीं है। ठीक है जी हाँ, ठीक है। बाकी कहाँ तक फाइनल छोड़ेंगे आप ये तकरीबन? फाइनल 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 तक जो है वो रेट कमी हो जाएगी, बाकी 5 लाख भाई मुझे बता रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो गाड़ी की क्लियर है, सीपीएलसी वगैरह क्लियर है, सस्पेंशन में भाई बता रहे हैं बिल्कुल ओके है गाड़ी। बाकी ये कि अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा।
0333-2911-435-435 तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वाट करते हैं। आगे बढ़ चुके हैं तो अभी ऑल्टो 2004 का जो है मॉडल हम लोग को मिल गया है। तो ऑलावरिंग वगैरह गाड़ी में लगे हैं, गाड़ी साइडों से जो है वो मुझे क्लियर दिख रही है। बाकी अभी हम देखेंगे कि गाड़ी का क्या हिसाब किताब है, मालूम करेंगे कोई पीस टचअप वगैरह उसका या मैन एक्सीडेंट वगैरह जो भी है गाड़ी, हम सारी चीज़ें मालूम करेंगे भाई से कि क्या हिसाब किताब है गाड़ी का। तो गाड़ी पहले हमने देखी फ्रंट से, अभी देख रहे हैं हम लोग भाई बैक साइड से। तो बैक साइड से भी आप लोगों को दिख रही होगी, तो कुछ पीस मुझे जो है वो टचअप लग रहे हैं, तो मैं वो मालूमात कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। साइड वगैरह भी हम इसकी दूसरी भी देख लेते हैं, तो दूसरी साइड भी जो है वो गाड़ी की क्लियर है। बाकी अब देखते हैं इंटीरियर वगैरह इसका, इंटीरियर से कैसी है गाड़ी। तो इंटीरियर से भी जो है इन्होंने वो गाड़ी कम्प्लीट रखी हुई है, डैशबोर्ड वगैरह जो है वो गाड़ी का कंप्लीट है, सीट कवर वगैरह बिल्कुल क्लीन करके इन्होंने रखे हुए हैं। गाड़ी नीचे से जो है वो गाड़ी बिल्कुल क्लीन है। बैक साइड भी इसकी एक नज़र देख लेता हूँ, फिर जो है रूम की तरफ चलूँगा मैं। सो बात करूँ भाई बैक साइड की, तो बैक साइड की कंडीशन भी आप लोगों के सामने ही है। बाकी ये वाली साइड भी मैं आपको दिखा दूँ, बाकी सीट्स वगैरह जो है वो आप लोगों के सामने, रूफ जो है वो गाड़ी की क्लियर है। बस ये थोड़ा सा मुझे जो है वो दिखा गाड़ी में, ये आप लोगों के सामने ही। अब चलते हैं भाई भाई के पास, जब मालूम करते हैं भाई से क्या इसकी डिमांड वगैरह कर रहे हैं। उससे पहले जो हम लोग एक दफ़ा रूम भी देख लेते हैं इसका, रूम की क्या कंडीशन है। सो बात करूँ भाई रूम की, तो रूम माशाल्लाह से इन्होंने अच्छा साफ़ सुथरा करके जो है वो गाड़ी का रखा हुआ है, यानी कि रूम से बिल्कुल क्लियर रखी हुई है गाड़ी। बाकी इंटीरियर वगैरह मैंने, बॉडी वगैरह तो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दी हैं। चलते हैं भाई के पास, भाई जो है भाई निज़ाम, तो इनके बड़े भाई कहीं चले गए तो हमने बोला चलो यार निज़ाम से ही इंटरव्यू ले लेते हैं। तो निज़ाम सबसे पहले ये बताओ, 2004 का जो है मॉडल है, आप इसकी डिमांड क्या कर रहे थे? 4,60,000। ठीक है, 4,60,000 रुपये जो है डिमांड कर रहे थे। बाकी गाड़ी तो ओके है ना सारी चलने फिरने में? देखो घर वाली बात है, सही से बता दो। ओके ओके, क्लियर है ना, बैठते हो तुम गाड़ी में, तुम्हें सही पता है ना? सही है, अपना नंबर भी शेयर कर दो। 0302-1218-1877। तो ये जो है इनके भाई का नंबर है, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई अभी है नहीं, तो हम लोगों ने बोला बस ये कि आप भाई से कॉन्टैक्ट कर लो यार, उनसे मालूमात कर सकते हो अभी इनसे क्या थोड़ी बहुत हम मालूमात करें। तो बाकी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी C200। और अभी देखेंगे भाई इस गाड़ी का मालूमात करेंगे, 2006 का जो है मॉडल है। तो अंकल हमें मिले थे पिछली दफ़ा, उन्होंने बोला था कि मैं लेके आऊँगा गाड़ी इंशाल्लाह, तो आज मुझे अंकल मिल गए दोबारा से। तो अभी देखते हैं भाई, गाड़ी तो बिल्कुल जो है वो क्लियर है मर्सिडीज़ की, फिर जाहिर सी बात है ब्रांडिंग ही अलग है। रिम वगैरह जो है इसमें ओरिजिनल जो है वो उसके मर्सिडीज़ के अपने लगे हुए हैं। गाड़ी ओवरऑल जो है वो जीनियन पे इन्होंने जो है वो गाड़ी रखी हुई है। बाकी अभी इसकी डिमांड वगैरह और अंकल से इंटरव्यू वगैरह लेंगे तो हमें और अच्छा सा जो है वो आइडिया होगा। तो गाड़ी बिल्कुल क्लियर है, बाकी लुक्स वगैरह तो आप लोगों को पता है, गाड़ी के सामने से देखने में पता चल ही जाते हैं। तो सामने से भी मैं आपको एक लुक दिखा दूँ गाड़ी का, तो गाड़ी ओवरऑल आप लोगों के सामने है। अब चलते हैं भाई इसका इंटीरियर वगैरह हम लोग देख लेते हैं, फिर अंकल से हम लोग बात करेंगे अंकल कितने की गाड़ी है, क्या हिसाब किताब है इसका, क्या इंपोर्ट वगैरह है। तो हम आ जाते हैं भाई इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर तो आपको इसका बिल्कुल लग्जरी सा मिल जाता है, फुल वुडन जो है इसका जो है वो इंटीरियर बना हुआ है। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सा जो है स्पेस होता है इसके अंदर गाड़ी का। बाकी अभी ये कि रेट वगैरह हम लोग पूछेंगे तो हमें और अच्छा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि देखें जिस तरीके से आपको कम्फर्ट मिलेगा गाड़ी में, उस तरीके से गाड़ी के जो है वो रेट वगैरह भी होते हैं। तो अभी बैक साइड भी इसकी देखते हैं, सो अभी इसकी बैक साइड भी हम लोग देख लेते हैं। तो बैक साइड से भी आपको अच्छा सारा स्पेस मिल जाता है। बाकी गाड़ी बिल्कुल क्लियर है यार, इसमें मैं आपको ज़्यादा दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, गाड़ी तो बिल्कुल क्लियर है। तो अब चलते हैं भाई अंकल के पास, अंकल से मालूम करते हैं कि भाई अंकल इसकी आप डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं और गाड़ी का क्या हिसाब किताब है इसका, क्या इंजन वगैरह होता है। मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी इसका, तो इसका इंजन भी हम लोग मालूम कर लेंगे और बाकी डिमांड वगैरह क्या है ये भी सारी चीज़ें जो मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अनवर भाई। तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, तो हम लोग बोला काफ़ी गर्मी में रेड भी काफ़ी हम लोग को कड़कदार अभी सुनने को मिलने वाले हैं, क्योंकि देखें मर्सिडीज कंफर्ट पर जब आ जाता है बंदा इंसान, तो फिर जाहिर सी बात है रेट भी उसी तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम 2006 का आपने मुझे मॉडल बताया, आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 23.5। ठीक है, 23.5 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी ओवरऑल जो है वो जेनवन पे रखी हुई है आपने, कुछ भी जो है इसके अंदर काम वगैरह नहीं है। अच्छा इंजन कौन सा होता है अनवर भाई, इसमें मुझे थोड़ा सा बताएंगे? 1800 सीसी का। ठीक है, 1800 सीसी मर्सिडीज़ का अपना जो है वो इंजन इसमें आप लोग को मिल्टन मिल जाता है। 23,50,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। अनवर भाई सबसे पहले अपना नंबर बता दिएगा। मेरा नंबर 0315-0315-2372-2372-676-676। तो ये अंकल का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गाड़ी ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखा दी है, डिमांड वगैरह सारी चीज़ें बता दी। 2006 का जो है ये मॉडल है। अच्छा ये इंपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें इसकी क्लियर हैं, CPLC टैक्स वगैरह इसका पेड है, हर चीज़ जो है वो क्लियर है। ठीक है, तकरीबन हर चीज़ जो है वो गाड़ी की क्लियर है अंकल ने बताया मुझे। बाकी के रेट वगैरह सारी चीज़ें बताया, अंकल का नंबर भी शेयर कर दिया। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग को मिल गई है करोला अल्टस 2007 का जो है ये मॉडल है। तो अभी बाकी डिटेल जो है हम भाई से मालूम करेंगे। तो गाड़ी
ओवरऑल जो है जेन्युइन पे रखी हुई है इन्होंने, बाकी हम मालूम भी कर लेंगे कोई पीस टचअप वगैरह है जो भी है, वो सारी चीज़ें जो हम भाई से मालूम करेंगे। तो अभी देख लेते हैं गाड़ी किस तरीके से, गाड़ी साइडों वगैरह से तो गाड़ी बिल्कुल क्लियर है, बाकी अंदर से इंटीरियर वगैरह भी गाड़ी का क्लियर है। अभी हम चलते हैं भाई इसके फ्रंट की तरफ पे और फ्रंट भी इसका एक नज़र देख लेते हैं। तो गाड़ी फ्रंट से भी जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मिल जाती है, बाकी अलार्म वगैरह जो है वो गाड़ी में डले हुए हैं। फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा सा है गाड़ी का, और बाकी रूम वगैरह भी अभी हम लोग देख लेंगे कि रूम की कंडीशन क्या है। तो दोनों साइडें वगैरह मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है साइडों पे, बैक साइड तो आप लोगों ने देख ही लिए। बस अब इसका रूम देखते हैं, फिर उसके बाद इंटीरियर की तरफ चलते हैं और इंटीरियर भी देख लेते हैं किस तरीके। सो सबसे पहले बात करूं भाई रूम की, तो रूम आप लोगों को इसमें बिल्कुल क्लियर मिल जाता है, सर्विस वगैरह हुई भी है रूम की, रूम बिल्कुल क्लियर है। साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की बिल्कुल क्लियर हैं, और बस ये कि साइडें वगैरह ज़्यादातर देखते हैं लोग के साइडों वगैरह से कहीं से लगी भी तो नहीं है गाड़ी, कुछ ऐसा तो नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं गाड़ी में। बाकी इंजन वाइज हम भाई से मालूम करेंगे कोई काम है या नहीं है इसमें, जो भी है वो सारी चीज़ें मालूम करेंगे। चलते हैं भाई अब इंटीरियर इसका एक नज़र देख लेते हैं हम लोग। सो बात करूँ भाई इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर है, ऑटो ट्रांसमिशन पे जो है, गाड़ी बिल्कुल क्लियर है अंदर से भी बाहर से भी। बाकी इसकी एक नज़र बैक साइड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सीट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं अभी तक, यानी कि पन्नियाँ भी नहीं उतरी हैं भाई गाड़ी की, बाकी कि इन्होंने अच्छा सा मेंटेन करके रखा हुआ है गाड़ी को। बस चलते हैं भाई से मालूम करते हैं, जो है मुनव्वर भाई, तो मुनव्वर भाई की जो है गाड़ी है 2007 का, जो मुनव्वर भाई ने मुझे मॉडल बताया, मुनव्वर भाई डिमांड क्या कर रहे हैं? 14.5 लाख। ठीक है, 14.5 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन पे जो है गाड़ी है, गाड़ी ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखा दी है पूरी, आउटर वाइज भी दिखा दी है, इंटीरियर वाइज भी दिखा दी है, इंजन रूम वगैरह भी दिखा दिया। अच्छा गाड़ी में कोई काम वगैरह जो अभी बाकी है मनोहर, इंजन वगैरह में कोई काम या सस्पेंशन वगैरह में कोई काम? ठीक है, गाड़ी ओवरऑल बिल्कुल क्लियर है। डिमांड आपने क्या बताई? 14.5। ठीक है, 14.5 लाख रुपये जो है मनोहर भाई ने डिमांड बताई। मनोहर भाई अपना नंबर भी बता दीजिए। 0311 0311 0311 815 815। तो ये भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो सस्पेंशन वगैरह से क्लियर, इंजन से गाड़ी क्लियर है, बाकी CPLC वगैरह पेपर्स वगैरह क्लियर बता रहे हैं। बाकी मनोहर भाई एक चीज़ मुझे और बता दिएगा, कोई पीस टचअप वगैरह? ठीक है, कौन सा वाला? बैक रियर फेंडर। ठीक है, बैक का रियर फेंडर जो है एक वो टचअप हुआ है, बाकी गाड़ी ओवरऑल जो है वो जेन्युइन पे है। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी हम लोगों को एक और स्विफ्ट मिल गई है, 2014 का जो है ये मॉडल है। तो अभी देखेंगे ओवरऑल गाड़ी कैसी है, बाकी ब्लैक कलर में अच्छी गाड़ी है, साफ़ सुथरी है, बैक साइड से मैंने देखा, साइडें वगैरह भी देखी। बाकी ये कि हम भाई से भी मालूम करेंगे कोई पीस टचअप वगैरह जो भी हो, बाकी इसमें ऑलरिंग वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं, गाड़ी साइडों वगैरह से जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी फ्रंट साइड भी हम लोग इसकी एक नज़र देख लेते हैं, तो गाड़ी फ्रंट से भी जो है वो बिल्कुल क्लियर आप लोगों को मिल जाती है, और रूफ़ वगैरह भी इसकी बिल्कुल क्लियर है, यानी कि गाड़ी ओवरऑल जो है वो क्लियर रखी हुई है इन्होंने। बाकी अभी इसका इंटीरियर वगैरह देखेंगे तो और अच्छा सा हम लोगों को आइडिया हो जाएगा। बाकी रूम वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसका इंजन रूम कैसा है। तो इंजन रूम देख लेते हैं एक नज़र हम, उसके बाद जो है इंटीरियर की तरफ आएंगे। इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर मुझे ऐसे ही दिख रहा है, सीट्स की अभी जो है वो पन्नियाँ भी नहीं उतरी हैं। तो बात करूं भाई रूम की, तो रूम भी आप लोगों के सामने, रूम भी इसका क्लियर है। 1.3 जो है इसका वो इंजन होता है, बाकी साइडें वगैरह जो है वो इसकी क्लियर हैं। बस अब चलते हैं भाई इंटीरियर की तरफ, और फिर उसके बाद भाई से मालूम करेंगे कि इसकी क्या डिमांड वगैरह है और सारी चीज़ें। बात करें भाई इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इसका बिल्कुल क्लियर है, डैशबोर्ड वगैरह आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर है गाड़ी, यानी कि अभी तक पन्नियाँ भी नहीं उतारी इन्होंने सीट्स वगैरह की। बाकी ये कि गाड़ी अंदर से न्यू जैसी है तकरीबन। अब चलते हैं भाई भाई से मालूम करते हैं कि क्या इसकी डिमांड वगैरह है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन पे जो ये गाड़ी है, बाकी ये क्या भाई से मौजूद है मुईज़ भाई, तो मुईज़ भाई की जो ये गाड़ी है, मुईज़ भाई सबसे पहले तो आप मुझे बताएं इसकी डिमांड क्या करें? 2014 का मॉडल आपने मुझे बताया, इसकी मैं डिमांड कर रहा हूं 1360। ठीक है, 1360 जो है आप इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी कहीं से टचअप वगैरह कोई? गाड़ी इंटीरियर 100% जेन्युइन है। ठीक है, आउटर जो है वो 85-90% जेन्युइन है, टचअप है वो भी माइनर टचअप है। ठीक है, माइनर टचअप है गाड़ी, यानी कि 80-85% जो है वो जेन्युइन है गाड़ी बाहर से, बाकी थोड़ा बहुत जो है वो टचअप है, वो भी कंप्लीट पीस कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका टैक्स जो है वो 2021 तक का पेड है। ठीक है, और 78,000 किलोमीटर चली हुई और जेन्युइनली पेट्रोल पे चली। ठीक है, बाकी अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा। मेरा नंबर है 0305-0305-2202-2202-136-136। बाकी डिमांड आपने बताई 13,60,000 रुपये जो है वो डिमांड बताई। CPLC वगैरह इसकी क्लियर है, पेपर वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं 96 का जो है ये मॉडल है बुलान का, तो अभी देखेंगे भाई इसकी क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो है मालूम करेंगे। देखें बड़ी गाड़ियाँ तो हमने काफ़ी सारी अभी देख ली, तो मैंने बोला चलो यार कारोबारी लिहाज से और थोड़ा सा जो है वो कम रेट में आ जाते हैं हम लोग। तो अभी इसकी भी सारे रेट वगैरह मालूम करेंगे तो हमें अच्छा सा जो है आइडिया हो जाएगा।
तो अभी दो गाड़ियां हम जो है बुलन ऐड करने वाले हैं, एक 96 का मॉडल है और दूसरा अभी मुझे मालूम नहीं है, तो पहले ये गाड़ी हम लोग देख लेते हैं। तो साइडों से गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर है, बाकी रिपेंट वगैरह कब की ये सारी चीज़ें भी अभी मैं भाई से मालूम करूँगा। तो साइडें वगैरह तो उसकी बिल्कुल क्लियर हैं, रूफ़ की बात करूँ तो रूफ़ भी जो है वो गाड़ी की बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ और आगे से भी देख लें। सो अब चलते हैं भाई फ्रंट साइड पर, फ्रंट साइड भी एक नज़र देख लेते हैं। अलायरिंग वगैरह जो है गाड़ी में लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन रखी हुई है। देखें 96 का मॉडल है तो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जितनी पुरानी होती जाती है गाड़ी। बाकी अभी इन्होंने रिपेंट वगैरह कब करवाई ये सारी चीज़ें भी जो है हम भाई से ही मालूम करेंगे। तो अभी इसका इंटीरियर देख लेते हैं। तो दरवाजे वगैरह साइडों की जो है वो क्लियर हैं आप लोगों के सामने, रस्टी वगैरह नहीं हो रहे। बाकी ये वाली साइड देख रहे हैं ये भी आप लोगों के सामने है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह की कंडीशन भी है आपके सामने। सीट्स वगैरह जो है वो नॉर्मल कंडीशन में मौजूद हैं। बाकी रूफ़ वगैरह की बात करूँ तो रूफ़ भी जो है नॉर्मल कंडीशन में है। सो बैक साइड पर आ गए तो बैक साइड से भी देख लेते हैं। तो अंदर से जो है पूरी जेन्युइन कंडीशन में रखी हुई, खाली इन्होंने आउटर जो है वो पेंट करवाया हुआ है। तो बाकी सारी कंडीशन आपके सामने। अब चलते हैं भाई से मालूम करते हैं भाई इसकी क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कयामुद्दीन भाई। तो इनकी जो है गाड़ी है 96 का जो है मुझे मॉडल बताया, आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 340। ठीक है, 340,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी जो है ऊपर से आपने रिपेंट कब करवाई है? ये एक हफ्ता हुआ। ठीक है, तकरीबन एक हफ्ते पहले जो है गाड़ी वो रिपेंट हुई ऊपर से। बाकी इंटर जो है वो पूरा जो है वो जेन्युइन पे है। बाकी गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह में कैसी है? ठीक है, सस्पेंशन वगैरह ओके, इंजन ओके इसका। ठीक है, तीन क्या बताया आपने इसकी डिमांड? 340। ठीक है, 340 डिमांड बताई। बाकी अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा। 25,000514। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। CPLC वगैरह इसकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, टैक्स वगैरह पेड है इसका। ठीक है, तो टैक्स वगैरह पेड है, आउटर से जो है वो पूरी गाड़ी पेंट है। बाकी इंटर से अगर अंदर साइड से देखें आप तो पूरी जो है जेन्युइन पे है गाड़ी। इंजन से ओके, सस्पेंशन से ओके। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा गाड़ियाँ जो है। अभी हम लोग को मिल गया 2007 का मॉडल, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, एक 96 का मॉडल था, एक 2007 का मॉडल था। अभी 2007 वाला हम लोग मॉडल जो है वो देख रहे हैं। अलॉय रिम वगैरह जो है वो गाड़ी में लगे हुए हैं। बाकी साइडों वगैरह से जो है वो क्लियर दिख रही है मुझे गाड़ी। थोड़ा बहुत जो है वो आपको पेंट वैसा दिख रहा होगा, बाकी जो है ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। बाकी अभी चलते हैं भाई फ्रंट साइड से भी जो है वो इसको देख लेते हैं। तो भाई मुझे बता रहे हैं कि भाई पूरी जेन्युइन पे रखी हुई है, कोई पीस इन्होंने शावर वगैरह नहीं करवाया। बाकी हम अभी जब इंटरव्यू लेंगे तो उसमें जो है अच्छे से वो डिटेल हम मालूम कर लेंगे भाई से कि क्या हिसाब किताब है गाड़ी का, कोई पीस वगैरह इन्होंने करवाया है या नहीं करवाया, जो भी है वो सारी चीज़ें मालूम करेंगे। तो अब चलते हैं भाई इसके इंटीरियर की तरफ और एक नज़र इंटीरियर भी हम लोग इसका देख लेते हैं। सो बात करें भाई इंटीरियर की, तो दरवाजे वगैरह भी बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि जेन्युइन गाड़ी है। तो फिर ये चीज़ें देखी जाती हैं, 2007 का मॉडल है, बिल्कुल क्लियर है ये। ये साइड भी आप लोगों के सामने है। बाकी सीट्स वगैरह नॉर्मल कंडीशन में आप लोगों को मिल जाती हैं। डैशबोर्ड वगैरह जो है इसको वो बिल्कुल क्लियर है। बाकी बैक साइड पर आ जाएँ तो बैक साइड की सीट्स की कंडीशन आप लोगों को अच्छी मिल जाती है इसमें। रूफ़ वगैरह जो है वो क्लियर है ऊपर से। बाकी गाड़ी तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को पूरी दिखाई दी है, बस अब चलते हैं भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं कि भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं और कहाँ तक जो है वो गाड़ी फाइनल छोड़ेंगे। और अलॉय रिम भी मैंने आप लोगों को दिखाई दिए थे। बस अभी मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान भाई। तो ज़ीशान भाई की जो गाड़ी है 2007 का जो है आपने मुझे बताया मॉडल ज़ीशान भाई, तो आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 4.5 लाख। ठीक है, 4.5 लाख रुपये जो है ज़ीशान भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी चाल में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह चीज से ओके, पूरी गाड़ी जेन्युइन है। ठीक है, पूरी गाड़ी जेन्युइन है, कोई पीस आपने टच वगैरह भी नहीं करवाया। पेपर वगैरह में कैसी है गाड़ी? क्लियर है, पेपर से क्लियर है। CPLC वगैरह, टैक्स वगैरह जो इसका पेड है? ठीक है, टैक्स वगैरह गाड़ी का जो है वो पेड है। बाकी गाड़ी पूरी क्लियर है, इंजन वगैरह से भी बताया भाई ने, सस्पेंशन से भी बोल रहे हैं क्लियर है। आप डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? 4.5 लाख। ठीक है, 4.5 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। और कहाँ तक छोड़ेंगे, कुछ है इसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश हो जाएगी? मुनासिब कह रहा हूँ, लेकिन 10-20 हज़ार का फिर भी। ठीक है, यानी कि थोड़े बहुत जो है वो कमी हो जाएगी गाड़ी में। बाकी अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए। 0300-7000-7000-9439-43। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी। तो अभी हम लोग को मिल गया 2017 का जो है मॉडल है GLI का। तो अभी देखेंगे गाड़ी का, मालूम करेंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है गाड़ी का और कितने तक में गाड़ी जो है वो दे रहे हैं भाई। तो ब्लैक कलर में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है आप लोगों को, शाइनिंग वगैरह दिख रही होगी। बाकी इसमें नॉर्मल जो है व्हील लगे हुए, व्हील कैप लगे हुए हैं इसके ऊपर। गाड़ी अच्छी कंडीशन में इन्होंने रखी हुई है। बाकी है कि अभी भाई से मालूम भी करेंगे कि क्या हिसाब किताब है, कोई पीस टचअप वगैरह है या जो भी होगा, वो A to Z जो है जितनी भी मालूम हम ले सकेंगे वो सारी चीज़ें हम जो है भाई से मालूम करेंगे। तो गाड़ी दोनों साइडों से जो है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत तो 19-20 तो चलता ही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। बाकी गाड़ी की कंडीशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने बोला चलो यार इस गाड़ी को भी हम लोग जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो अभी इसका इंटीरियर देख लेते हैं चल के, इंटीरियर किस हिसाब से जो है इन्होंने रखा हुआ है। तो इंटीरियर की बात करूं तो भाई इंटीरियर भी जो है वो गाड़ी का बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा इन्होंने जो है रखा हुआ है। मैनुअल ट्रांसमिशन पे जो है वो गाड़ी है, गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी रखी हुई है इन्होंने, डस्टी वगैरह नहीं है गाड़ी। बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड भी जो है वो गाड़ी की बिल्कुल क्लियर है। तो बस अब चलते हैं भाई भाई के पास और भाई से मालूम करते हैं भाई इसकी क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं और गाड़ी कहाँ तक जो है। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान भाई। तो इमरान भाई की जो है गाड़ी है, इमरान भाई 2017 का मॉडल आपने मुझे बताया, अब इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं?
इसकी वो 22.5 लाख रुपए डिमांड। ठीक है, 22.5 लाख रुपए जो आप इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन इंजन वगैरह? सस्पेंशन बिल्कुल ओके है गाड़ी, टोटल 72,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। ठीक है, टोटल 72,000 चली है। फैमिली के हिसाब से गाड़ी है और ये हमारी फैमिली में चलती है। फर्स्ट ओनर गाड़ी भी मेरे नाम पर ही गाड़ी। ठीक है माशाल्लाह, ये भी नहीं फर्स्ट ओनर गाड़ी, गाड़ी मेरे नाम पर ही है। इसके हमने 22.5 लाख रुपये तो फैमिली कार है, गाड़ी जो है वो भाई के घर पर ही चली है। 72,000 किलोमीटर जो है सिर्फ गाड़ी चली हुई। गाड़ी ओवरऑल बिल्कुल क्लियर है, यानी कि सस्पेंशन इंजन के हवाले से। बाकी कोई पीस टचअप वगैरह हुआ इसका कोई? इसका सिर्फ ये ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा टचअप है। ठीक है, ड्राइविंग साइड का सिर्फ दरवाज़ा टचअप है, बाकी पूरी जेन्युइन पे गाड़ी है। बाकी आपने डिमांड क्या बताई इसकी मुझे? इसकी 22.5। ठीक है, 22.5 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड बताई, और अपना नंबर भी शेयर कर देगा भाई। ठीक है, 0315 0315 24 31 31 77 6 77 6। तो ये इमरान भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं। आगे बढ़ चुके हैं तो अभी हम लोग को मिल गई है करोला अल्टस ग्रैंडी। तो अभी इसकी मालूम करेंगे भाई क्या डिमांड वगैरह है। 2017 का जो है मॉडल है, काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है, गाड़ी बिल्कुल जो है जेन्युइन पे लग रही है। फिर भी हम जो है मालूम करेंगे कोई पीस वचप वगैरह जो भी है, A to Z सारी चीज़ें जो हम मालूम करेंगे। तो इसमें अलायरिंग वगैरह जो है गाड़ी में आप लोगों को मिल जाते हैं, साइडें वगैरह गाड़ी की बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं फ्रंट साइड पर, फ्रंट भी देख लेते हैं। सो फ्रंट साइड देखूँ तो भाई फ्रंट साइड से भी गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। बाकी एक अभी हम भाई से मालूम करेंगे इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं। तो गाड़ी दोनों साइडों से बिल्कुल क्लियर लगी मुझे, अलायरिंग वगैरह गाड़ी में डले हुए। तो इसका इंटर भी देख लेते हैं हम, इंटर यानी कि कैसा है और क्या हिसाब किताब है। सो बात करें भाई इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी आप लोगों को बिल्कुल इसमें जो है वो क्लियर मिल जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे GLI देखी थी, 2017 ही था वो भी, तो ये भी 2017 ही। ये आप लोगों को ऑटो ट्रांसमिशन पे जो है गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी जो है वो बिल्कुल सामने से अच्छी कंडीशन में क्लियर है बिल्कुल। बस चलते हैं अभी भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं कि भाई इसकी क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं और सारी चीज़ें। साथ मौजूद है रिजवान भाई। तो रिजवान भाई की जो है ये गाड़ी है, रिजवान भाई 2017 का मॉडल है, आप इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? सर ये ग्रैंडी है, ऑप्शन वाली। ठीक है, क्या डिमांड है इसकी? डिमांड 27.5 कर रहे हैं। ठीक है, 27.5 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, कोई पीस टचअप वगैरह? दो पीस टचअप है, एक पिछला दरवाज़ा है और एक लेफ्ट फेंडर है। ठीक है, लेफ्ट साइड का फेंडर है और ये वाला दरवाज़ा है। हाँ, राइट लेफ्ट साइड का फेंडर है, लेफ्ट का दरवाजा। ठीक है, बाकी डिमांड आपने बताया, अपना नंबर भी बताया। तमाम फंक्शंस काम करते हैं गाड़ी के, कोई चीज़ बंद नहीं है, 0 मीटर जैसी गाड़ी है, अंदर से बिल्कुल 0 है, पेपर्स वगैरह सब ओके, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ठीक है, कोई मेरा 0333224 1509। ठीक है, पेपर्स वगैरह से गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। आपकी दो पीस जो है वो टचअप है वो बताएं भाई ने, गाड़ी घुमा के दिखाएं। ठीक है, सारे फंक्शंस वगैरह जो है वो क्लियर है। गाड़ी तो आप लोगों को मैंने पूरी अंदर से दिखाई दी है, आउटर भी दिखा दिया गाड़ी का। तो गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर है। बाकी डिमांड वगैरह बताई, भाई का नंबर भी हम लोगों ने ले लिया। तो अभी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड करते रहें। तो जल्दी हम लोग को मिल गया 74 का मॉडल। तो गाड़ी जो है बिल्कुल इन्होंने रीपेंट करी हुई है, पूरी जो है वो अच्छी कंडीशन में यानी कि बनाई हुई है। बाकी आप इसके व्हील वगैरह देखें तो वो भी अच्छा था, इन्होंने जो वो डिज़ाइन दिया हुआ है, व्हील कैप वगैरह लगाए हुए हैं इसके अंदर स्टील वाले। तो अभी कोशिश करेंगे इसको भी अच्छे से गाड़ी को देख लें जो है अपनी जो है वो गाड़ी कंडीशन में पूरी है। बाकी इंजन जो है ये अपने इंजन पे है, अभी इंजन चेंज करा हुआ है क्या है, वो सारी चीज़ें भी जो है हम भाई से मालूम करेंगे जिनकी ये गाड़ी है। तो फ्रंट से ग्रिल वगैरह भी इसकी बिल्कुल कंप्लीट है। अच्छा, इन गाड़ियों का जो है सामान वगैरह थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पुराना मॉडल हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने पूरी जो है वो रिकंडीशन करी है गाड़ी और अच्छा पेंट वगैरह बिल्कुल करवाया हुआ, भट्टी पेंट है। बाकी ये कि अभी इसका इंजन वगैरह भी देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा सा जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इसका इंजन किस तरीके से है। इंजन भी इन्होंने बिल्कुल क्लीन रखा हुआ है, रूम वगैरह पूरा जो है इन्होंने न्यू पेंट करवाया हुआ है, साइडें वगैरह जो है गाड़ी की क्लियर हैं। बाकी अब चलते हैं भाई इंटीरियर देख लेते हैं, इंटीरियर कैसा इन्होंने मेंटेन करा है। तो रूम वगैरह बॉडी वाइज तो इन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई हुई है। बाकी अभी इंटीरियर देखेंगे फिर भाई से बात करेंगे क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं गाड़ी की, क्या हिसाब किताब है गाड़ी का। तो इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर जो है इन्होंने पूरा ब्राउन कलर में जो है बेहतरीन सा इंटीरियर बनाया हुआ है, गत्ते वगैरह सारे चेंज हैं, डैशबोर्ड वगैरह जो है वो बिल्कुल न्यू सा लगाया हुआ है भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे बिल्कुल इतना ज़्यादा चमकता हुआ कैसे कलर वगैरह करवाया हुआ है। शीट्स वगैरह जो भी चढ़ाई है बिल्कुल न्यू सी गाड़ी आप लोगों को एक मिल जाती है। सीट्स वगैरह जो है इसके अंदर नई इंस्टॉल हुई हुई है। बाकी बैक साइड भी मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। तो बैक साइड से भी भाई गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, दरवाजे वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं। तो भाई मॉडल तो पुराना 74 लग ही नहीं रहा है मुझे, बस चलते हैं भाई से मालूम करते हैं भाई इसकी क्या डिमांड। अभी हम लोगों ने जो है इस गाड़ी का मालूम करा तो 3 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड थी। गाड़ी ओवरऑल जो है मैंने आप लोगों को दिखा दी है पूरी, लेकिन भाई जो बोले थे वो नंबर वगैरह शेयर नहीं करेंगे, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों को मार्केट का एक अच्छा सा आइडिया हो जाता है कि भाई रिकंडीशन गाड़ी कितने तक, ये 2.5 से 3 तक में आपको रिकंडीशन गाड़ी पूरी जो है मिल जाती है, इंजन वाइज सस्पेंशन वाइज सब चीज़ें जो है उसमें बनाई हुई थी। तो अभी देखेंगे आगे और कौन कौन सी गाड़ियाँ मिलती है। कोशिश तो ये होती है कि यार अच्छी गाड़ी जो दिखे आप लोगों ने ऐड करूँ। तो अभी जल्दी से देखते हैं और आगे हम लोगों को कौन सा। जाते जाते मिल गए हम लोगों को मेहरान, हमने बोला चलो यार ये भी ऐड कर लेते हैं। 2005 का जो है ये मॉडल है, गाड़ी ओवरऑल अच्छी कंडीशन में है। बाकी हम भाई से मालूम करेंगे कोई पीस टचअप वगैरह जो भी है सारी चीज़ें मालूम करेंगे। नॉर्मल व्हील कैप वगैरह जो है वो गाड़ी में लगे हुए हैं, साइडें वगैरह गाड़ी की क्लियर है, बैक साइड भी अच्छी कंडीशन में है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी है। डिमांड वगैरह जब मालूम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा सा जो है हम लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो अभी इसका फ्रंट भी मैं आप लोगों को सही से दिखा देता हूँ। बाकी ये रूम वगैरह भी हम लोग देख लेंगे, इसका रूम किस कंडीशन में जो है मौजूद है।
तो बाकी अभी सारी चीज़ें जो इनके ऑनर हैं हम उन्हीं से मालूम करेंगे क्या हिसाब किताब है, सीएनजी पेट्रोल वगैरह, बाकी एसी वगैरह इसका वर्किंग में है या नहीं है, वो भी सारी चीज़ें हम मालूम करेंगे। तो गाड़ी ये अंदर से भी क्लियर है, साइडें वगैरह इसकी यानी कि कोई मैन एक्सीडेंट वगैरह जो है वो सीन नहीं लग रहा मुझे गाड़ी में। बाकी ये कि हम अंकल से ही मालूम कर लेंगे तो हमें और अच्छा सा जो है आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं अभी इंटीरियर की तरफ और एक नज़र इंटीरियर भी देख लेते। सो बात करें भाई इंटीरियर की, तो डैशबोर्ड वगैरह भी इसके अच्छा अपनी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में जो है गाड़ी है। बाकी ये कि बैक साइड वगैरह दिखाएं तो बैक साइड वगैरह भी साफ है गाड़ी की। तो गाड़ी ओवरऑल मैंने आप लोगों को पूरी दिखा दी, तो अभी चलते हैं अंकल से मालूम करते हैं कि भाई अंकल इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं। कासिम भाई, तो कासिम भाई की ये गाड़ी है 2005 का मॉडल मुझे बताया। कासिम भाई आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखा दी, तो सस्पेंशन वगैरह में इंजन में कैसी गाड़ी? बिल्कुल इंजन बहुत अच्छा है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, चलने फिरने ठीक है। बाकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीजें जो है क्लियर है, नंबर है, थर्ड ओनर है। ठीक है, थर्ड ओनर है। बाकी अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। 0342 ठीक है, 52 ठीक है, 38 7091 मोहम्मद कासिम भाई। तो ये उनकी जो है नंबर हम लोगों ने शेयर कर दिया कासिम भाई का। 3.5 लाख रुपए जो गाड़ी की डिमांड है। सस्पेंशन में अच्छी है, बाकी अच्छा कोई पीस टचअप वगैरह हुआ? कोई नहीं, मतलब नीचे छोटा बहुत टचअप है, बाकी अच्छा तो ओरिजिनल है, डिग्गी ओरिजिनल है। ठीक है, छोटा मोटा नीचे टचअप है, पीसिंग का काम नहीं हुआ, पीसिंग का काम नहीं हुआ, छोटा मोटा टचअप हुआ है, एक्सीडेंट नहीं है, पिलर जड़ पे हर चीज हो रही है, हर चीज हो रही है। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, कोशिश करते हैं ज्यादा ज्यादा गाड़ी चलाते हैं। तो अभी हम लोग को 10-13 का जो है मॉडल मिल चुका है, तो अभी देखेंगे ओवरऑल गाड़ी कैसी है, किस कंडीशन में। बाकी है कि हम भाई से मालूम भी करेंगे कोई पीस टचअप वगैरह हो, जो भी हो सारी चीजें जो हम भाई से मालूम करेंगे। तो इसमें अलॉय रिम वगैरह जो है आप लोगों को मिल जाते हैं, गाड़ी साइडों वगैरह से जो है वो गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। बाकी इसका रूम वगैरह भी देखेंगे, इंटीरियर वगैरह भी देखेंगे, तो हम लोग और अच्छा सा जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो साइड वगैरह से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो हम लोग को और अच्छा सा जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो अभी कोशिश करेंगे कि अच्छे से गाड़ी को देख लें। तो गाड़ी भी माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ सुथरी जो है इन्होंने रखी हुई है। बाकी ये कि कोई पीस टचअप वगैरह है या जो भी है वो सारी चीज़ें हम भाई से ही मालूम करेंगे जिनकी ये गाड़ी है। तो अभी चलते हैं इसका इंटीरियर एक नज़र देख लेते हैं कि इंटीरियर किस तरीके से है इसका। सो बात करें भाई इंटीरियर की, तो गेट्स वगैरह जो है वो इसकी बिल्कुल क्लियर है, साइडें वगैरह जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं। बाकी ये कि इंटीरियर भी इसका बिल्कुल कंप्लीट है, साफ़ सुथरी कंडीशन में जो है इन्होंने गाड़ी रखी हुई है। ऑटो ट्रांसमिशन पे जो है ये गाड़ी है। बाकी बैक साइड भी जो है वो गाड़ी की बिल्कुल क्लियर है। तो गाड़ी ओवरऑल जो है इन्होंने अच्छी कंडीशन में रखी हुई है। अभी पूछेंगे इसका माइलेज वगैरह क्या है, गाड़ी कितनी चली हुई है और गाड़ी में कोई काम वगैरह है। तो अभी मेरे साथ मौजूद है नासिर भाई। तो नासिर भाई की जो है ये गाड़ी है, तो नासिर भाई सबसे पहले आपने मुझे बताया 10-13 का जो है ये मॉडल बताया, ठीक है। बाकी आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं नासिर भाई? मैं 12.5 फाइनल, ठीक है, फाइनल जो है 12.5 जो है बोले। अच्छा कोई पीस इसके टचअप वगैरह हुआ? इसके बेसिकली टचअप ये बम्पर अगला फेंडर, अच्छा फेंडर से, ठीक है, बस ये जस्ट ये, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो यानी कि 20% समझ लें, 20% बाकी ठीक है, 80% ओरिजिनल है गाड़ी, ऊपर से कंप्लीट ओरिजिनल, ठीक है, 80% गाड़ी जो है ओरिजिनल है, बाकी 20% छोटे मोटे जो है टचअप हुए हैं गाड़ी पे। बाकी गाड़ी चली भी कितना है अभी? 82,000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चली हुई है। इंजन में कोई काम वगैरह, सस्पेंशन में कोई काम, कुछ भी एक रुपए, ठीक है, सीपीएलसी वगैरह पेपर्स वगैरह क्लियर है, ठीक है। डिमांड आपने बताई 12.5 फाइनल, अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा। 0334 ठीक है, 2726 521 521। तो ये भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो अभी कोशिश यही होती है कि यार हम खुद से जो है गाड़ी अच्छे से दिखा दें आपको, तो बॉडी वाइज हम लोग दिखा देते हैं। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं जो उनके ऑनर होते हैं गाड़ियों के उनसे ले लेते हैं। तो पेपर वगैरह, सस्पेंशन वगैरह, सीपीएलसी, इंजन वगैरह की, तो जाहिर सी बात है सारी बातें जो ऑनर होता है चला रहा होता है गाड़ी वही बता सकता है। बाकी आप जब आया करें कॉन्टैक्ट करके तो खुद भी गाड़ी चला के देखा करें, मालूम करा करें। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी। 2004 का जो है ये मॉडल है, तो ओवरऑल गाड़ी देखेंगे भाई किस कंडीशन में, तो काफ़ी साफ कंडीशन में जो है गाड़ी रखी हुई है। बाकी हम मालूम करेंगे कि भाई कोई शावर वगैरह, पेंट वगैरह जो भी हुआ है वो सारी चीज़ें भी हम मालूम करेंगे। तो गाड़ी ओवरऑल पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मालूम करेंगे कि भाई क्या रेट वगैरह है, इसके सारी चीज़ें जो है डिटेल्स मालूम करेंगे। तो नॉर्मल जो इसमें व्हील लगे हुए हैं, बाकी व्हील कैप वगैरह डले में टोयोटा के अपने। रूम वगैरह भी देखेंगे, पहले साइडें वगैरह पूरी कंप्लीट कर लें, फ्रंट से गाड़ी का लुक देख लेते हैं, फ्रंट से गाड़ी का लुक कैसा है। तो गाड़ी जो है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रही है, 2004 का जो है मॉडल मैंने आप लोगों को बताया। हेडलाइट्स वगैरह इसकी बिल्कुल क्लियर है, विंडशील्ड वगैरह बिल्कुल क्लियर है, साइडें, दरवाजे वगैरह, इन चीज़ों में तो गाड़ी क्लियर है। आप चलते हैं इंटीरियर की तरफ और एक नज़र इंटीरियर भी देख लेते हैं। सो बात करूं भाई इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी आप लोगों के सामने, साइड वगैरह जो है इसकी कंडीशन आप लोगों के सामने है। बाकी ये कि अभी इंटीरियर देख लेते हैं, तो इंटीरियर जो है वो मॉडर्न स्टाइल में थोड़ा बहुत जो है वो इंटीरियर बना हुआ है। बाकी अपना पैनल वगैरह गाड़ी का लगा हुआ है, तो मैनुअल ट्रांसमिशन पे जो है वो गाड़ी है। अभी चली भी कितना है ये सारी चीज़ें भी जो है हम भाई से मालूम करेंगे। बैक साइड भी एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। अरे यार, सो बात करूँ बैक साइड की, तो बैक साइड भी जो है गाड़ी की क्लियर है आपके सामने है।
बाकी क्या अभी रेट वगैरह लेंगे तो और अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखिए थोड़े बहुत काम तो जो हैं वो दिख रहे हैं, बाकी ये कि थोड़ी बहुत सी रस्सी सी यहाँ से दिख रही होगी, तो थोड़ा बहुत जो है वो जो गाड़ी में दिखता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ पहले, ऐसे जैसे मैंने ये आगे का दिखाया तो आगे का बिल्कुल क्लियर था, बाकी थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब चलते हैं भाई, मालूम करते हैं भाई ईसा तो इनके बड़े भाई जो गए हैं, लेकिन फिर मैंने बोला चलो यार आप रेट वगैरह बता दिएगा। तो अब इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं, 2004 का मॉडल है, ये 4 का मॉडल है, 8.5 ठीक है, 8.5 लाख रुपये जो है वो डिमांड कर रहे हैं। बाकी ये गाड़ी चलने में सही है, कोई काम वगैरह तो नहीं है, ठीक है। 14 दिन ये स्वाद से आई है। अच्छा 14 दिन हुआ अभी स्वाद से, यानी कि बाहर भी चलती रहती है, आउट ऑफ सिटी भी गाड़ी चलती रहती है। और 4.5 लाख रुपये जो डिमांड बताई, अपने भाई का नंबर भी शेयर कर दो। 0345 3490 तो ये जो है इनके भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करके और ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। देखें जो मालूम ले सकता था इन लोगों से तो ले ली बच्चों से मैंने, बाकी आप इनके भाई को कॉन्टैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लेने, अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सारे लोगों ने भाई पूछ रहे थे अंकल के बारे में कि भाई अंकल कहाँ गायब हैं, तो भाई आज अंकल मिल गए मुझे, तो मैंने बोला चलो यार अंकल से मिलते हुए चलते हैं। तो अंकल के पास आ जाएंगे, 4 गाड़ियाँ, तो सबसे पहले भाई अंकल कैसे हैं आप, तबीयत आपकी बेहतर है, क्या हुआ था खैरियत? अब ये आज का जो चल रहा है नज़ला खांसी बुखार वगैरह भाई है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, मैं दूर हो जाऊँ क्या थोड़ा? तो कोरोना वाले सिम्टम्स नहीं थे, बस ये कि थोड़ा बहुत, अल्लाह का शुक्र है अब जे के अंकल सेट हैं। अब 4 गाड़ियाँ आई भी, अब अंकल से बस 4 गाड़ियों की डिटेल लेते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखाते हैं, फिर आगे अंकल की गाड़ी है, रेट वगैरह मॉडल वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा, फिर मैं गाड़ियाँ दिखा दूंगा। तो अभी ये पिक्सेस है हमारे पास टोयोटा की, और क्या है ये का मॉडल है, ये अनरजिस्टर्ड है ये, ठीक है, 12 लाख रुपये की डिमांड है, ठीक है। बाकी फिर ये अपनी दूसरी है, ये पिक्चर ये हाईजेट है, 2013 का मॉडल है, 13-17 है ये, इसकी डिमांड जो है 10,75,000 रुपये है, ठीक है। और एक खड़ी हुई है 2-in-1 है ये, ये क्लिपर, ये 15 का मॉडल है, फ्रेश क्लियर है, डिमांड 13.25 लाख रुपये है, ठीक है। और वो और इसके बाद ये 12-18 क्लिपर है, वो फर्स्ट ऑनर है, और 100 सीट वाली गाड़ी है, उसकी डिमांड जो है 9,75,000 रुपये, ठीक है। अंकल अपना नंबर भी बता दें, 0312-2070-995, ठीक है। तो डिटेल तो सारी अब ले लिए गाड़ियों की, अब मैं एक एक करके गाड़ी आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो रेट वगैरह आप थोड़ा सा भाई पीछे करके देख लेना वीडियो। तो एक ही सबसे पहले अपने पास पिक्सिस खड़ी हुई है, तो पिक्सिस मैंने आप लोगों को पिछले संडे भी मेरे ख्याल से दिखाई थी, तो गाड़ियाँ मैंने सारी जो है वो दिखा दी हैं। सो अभी ये वाली गाड़ी भी हम लोग देख लेते हैं, तो साइडें वगैरह इसकी बिल्कुल क्लियर है, हाँ हाँ दूसरी आ गई, तो अभी ये गाड़ी भी हम लोग देख लेते हैं, तो ये साइडों वगैरह से जो है वो गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। बाकी इंटर अंदर से भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा दें, अच्छा चले सही है। तो ये देख लें आप लोग, इंटीरियर से भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बाकी रेट वगैरह जो अंकल ने सारे आप लोगों को इन गाड़ियों के बता दिए हैं। तो बाकी एंड में भी एक छोटा सा इंटरव्यू ले लूँगा, तो ऑटो ट्रांसमिशन पे होती है, 660 cc होती है पिक्सिस, बाकी एक और दूसरी गाड़ियाँ भी, ये भी मैं आपको दिखा दूँ बैक साइड से। तो गाड़ियाँ जो है वो तकरीबन सारी बिल्कुल क्लियर हैं गाड़ियाँ, बस अब ये मैं दूसरी वाली गाड़ी की तरफ बढ़ जाता हूँ, एंड वाली गाड़ी की भी मैंने आपको रेट वगैरह सारी चीज़ अंकल से पूछ के बता दिए थे, और अभी इसको भी देख लेते हैं हम लोग बैक साइड से। तो ये हाईजेट अपनी नॉर्मल वाली जो हाईजेट ज़्यादातर जिसकी डिमांड होती है हाईजेट की वो है, बाकी इसके बराबर निशान करीब क्लीपर वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो चारों गाड़ियों के रेट तो मैं पहले आप लोगों को बता दूंगा, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूंगा मैं आप लोगों को, नंबर तो अंकल का हम लोगों ने ले लिया है। तो ये निशान क्लीपर है, ये भी गाड़ी बिल्कुल साफ है, तो यार अंकल की गाड़ियाँ जो मैंने नोटिस करा है ना वो अंदर और बाहर से बिल्कुल क्लियर होती हैं गाड़ियाँ, तो ये देख लें पूरी क्लियर है गाड़ी यहाँ से भी फ्रंट साइड से भी, और सारी जो है वो ऑटो ट्रांसमिशन पर गाड़ी है, ऑटो ऑप्शन भी है, मैनुअल भी है। अच्छा ऑटो मैनुअल दोनों है इसमें, ठीक है, ऑटो प्लस मैनुअल। अच्छा मैनुअल का क्या, ये निसान जो है क्लीपर जो है इसमें जो है वो ऑटो एंड मैनुअल दोनों है, यानी कि दोनों पे चलती है ये गाड़ी। बाकी अब आ जाते हैं हम चौथी गाड़ी की तरफ, आखिरी गाड़ी की तरफ अपनी, तो वो भी जो है हम दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये हम आ गए बिल्कुल लास्ट वाली गाड़ी की तरफ, निसान, ये भी क्लीपर है, दोनों यानी कि निसान क्लीपर हैं, ये दोनों गाड़ियाँ निसान क्लीपर। उसके अलावा हाईजेट खड़ी हुई थी, उसके सबसे पहले वाली जो पिक्सिस थी। तो गाड़ियाँ सारी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ साइडें वगैरह, तो सारी गाड़ियाँ जो है वो क्लियर हैं, अलार्म वगैरह लगे हुए गाड़ी में। बाकी ये पीछे से भी मैं आपको दिखा दूँ, सो ये साइड भी जो है वो गाड़ी की बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ से देखें तो इंटीरियर भी बिल्कुल क्लियर है। बस अब चलते हैं अंकल से एक दफ़ा लास्ट में जो है, हम एक दफ़ा फिर से जो है रेट में आप लोगों को रिवाइज़ करवा दूँगा, तो उससे ये कि अच्छा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। भाई पैसे रिवाइज मैं आप लोगों को करवा दूँ, तो पहले वाली जो गाड़ी थी पिक्सिस, इसके रेट बताएं अंकल? पिक्सिस जो है गाड़ी अनरजिस्टर्ड है ये, इसके फाइनल जो है ये 12.5 लाख रुपये के अंदर जो है होगी आपको फाइनल, ठीक है। दूसरी वाली ये वाली, उसके बाद जो है बताई थी हमने 13-17 फर्स्ट ओनर, ये इसमें सिस्टम लगा हुआ है तकरीबन 40-45 हज़ार का सिस्टम भी है और फर्स्ट ओनर भी है ये गाड़ी, ये फाइनल 10.5 लाख रुपये के अंदर है, ठीक है। और ये इसके बाद ये है एक क्लिपर है, ये 2-in-1 है, ये दीवान तो इसकी जो है हमारी 13.25 लाख रुपये है, मगर ये है कि इसके अंदर कोई गुंजाइश है, ठीक है। और बाकी दूसरी जो है गाड़ी है वो एक क्लिपर है, वो 12-18, उसकी 9,75,000 रुपये फाइनल डिमांड है, ठीक है।
तो ये सारी डिमांड जो है अंकल से मैंने आप लोगों को पूछ के बता दी, एक रिवाइज कर दिया ताकि आप लोगों को पैसे पता चल जाए सारे। तो बस अभी एक गाड़ी रहती है अभी, वो भी हम लोग करेंगे कवर। तो अंकल से आज हमारी बातचीत हो गई अच्छी खासी, तो अभी आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आफ्ताब भाई के पास। तो अभी आफ्ताब भाई की गाड़ी हम लोग देख लेते हैं, पहले साइड वगैरह पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, फिर आफ्ताब भाई से बात करेंगे कि भाई गाड़ी क्या हिसाब किताब है, कितने तक में गाड़ी है अपने पास। तो हाई जेट है ये, हाफ क्रूज है, और अभी देखेंगे इसका पूरा इंटीरियर वगैरह भी देखेंगे, और साइडें वगैरह तो आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ मैं। तो दूसरी साइड भी अभी इसकी देख लेते हैं। तो देखें 660 सीसी, तो चार गाड़ियाँ तो मैंने आप लोगों को वो दिखा दी, उससे पहले भी काफ़ी गाड़ियाँ दिखाई हैं। तो अभी इसका इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं और सारी चीज़ें दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो इंटीरियर वगैरह इसका जो है वो बिल्कुल क्लीन है, और काफ़ी अच्छी गाड़ी इन्होंने भी रखी हुई है मेंटेन करके। तो आफ्ताब भाई के पास अब चलते हैं, बस इंटीरियर देख लेते हैं इसका, वो इंटीरियर बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आफ्ताब भाई से मालूम करते हैं आफ्ताब भाई क्या रेट वगैरह है इसके और कहाँ तक है। आफ्ताब भाई, तो आफ्ताब भाई की गाड़ी हम लोग देखा, आफ्ताब भाई थोड़ी सी डिटेल दें अपनी गाड़ी की। 2010-2016 हाफ क्रूज ABS ब्रेक, दो सोफे हैं इसके अंदर और बम्बर टू बम्बर है, फर्स्ट ओनर है। ठीक है, देनी है 9,60,000 रुपये की। ठीक है, 9,60,000 रुपये की जो गाड़ी देनी है, गाड़ी ओवरऑल दिखा दी है, बाकी के सारी डिटेल तो आफ्ताब भाई ने दे ही दी है। तो आफ्ताब भाई अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए। 0302-2357-349 आफ्ताब मेमन। ठीक है, तो ये आफ्ताब भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गाड़ी की डिटेल ले सकते हैं। तो अब बस आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। फाइनली दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने गाड़ियाँ देखी जिसमें मिनी पिजारो वगैरह भी हम लोगों ने ऐड करी, बाकी XLi GLi, और देखें बड़ी गाड़ियाँ इस दफ़ा मैंने ज़्यादा इस वजह से ऐड करी क्योंकि पिछली दफ़ा जब हम लोग आए थे तो हमने छोटी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ऐड कर ली थी, तो उस पर लोग बोल रहे थे कि यार आपने महंगी गाड़ी नहीं दिखाई। बाकी एक भाई ने बोला था कि भाई प्रो बॉक्स दिखाओ टोयोटा की, तो यार प्रो बॉक्स मैंने ढूंढी काफ़ी मार्केट में, मुझे नहीं मिली। उसके अलावा मुझे वो मिल गई अपना जो मुझे कैरी डब्बा मिल गई, कैरी डब्बा एक भाई ने बोली थी काफ़ी पहले बोली थी, लेकिन यार मार्केट जब से नहीं लग रही थी तो काफ़ी यानी कि गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। एक मुझे कैरी डब्बा दिखी जो कि मैंने अपना चैम्बर वाली जो है वीडियो है ना, जो 2-स्टॉक 4-स्टॉक वाली जो वीडियो उसके अंदर डाल दी है, वहाँ जाके वो भाई देख लो। बाकी प्रो बॉक्स अगर अभी भी मुझे जाते जाते कोई दिखी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और बस यार जो आप लोगों को गाड़ी चाहिए अगर उसकी कमेंट कर दिया करो, कोशिश ये होती है कि जो गाड़ी दिख जाए उसको जो है वो ऐड कर लूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। तो बस यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो और लाइक वाइक कर दिया करो, ताकि जो भी अपडेट आए आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो आप लोग तक वो पहुंच जाए। बस सब्सक्राइब कर दो, अब लाइक वाइक दबा दो एंड अल्लाह हाफिज़।